Hey guys, welcome back to my channel DT Gamer. और आज हम खेल रहे हैं Minecraft. Yo. So आज actually मैं आपके साथ एक secret शेयर करना चाहता हूँ. मेरा खुद का एक secret, personal secret. और वो secret है एक secret Minecraft world. इतने सारे secret एक साथ. चलो तो मैं आपको अपने इस सीक्रेट माइनक्राफ्ट वर्ल्ड की जरा एक टूर दे दूं. सो राइट नाउ आई एम अ टूर गाइड फॉर यू ऑल. तो ये जो अजीब सा पाँव बंद कर, रोल प्ले कबारा कर रहा, पाँव अंदर कर, ठीक है. हाँ सो गाइस, ये है मेरा टर्टल फार्म. देखो इन दोनों को ब्रीड करा के मैंने, एक छोटा सा टर्टल था वो पहले, बड़ा सा हो गया पता नहीं कैसे. मैंने तो कुछ खाना भी नहीं दिया इसको अभी. और मतलब ये मेरा ऐसा वर्ल्ड, मैंने सीड कुछ ऐसा अजीब सा सीड था कि लाइक वेस्टलैंड्स और आइस स्पाइक्स और लाइक आइस बायोम सीधा ये बीच में अचानक से धमका, और नॉर्मल वर्ल्ड अपना ये ओक बायोम, तो ये सब मिलके एक साथ आ गया पता नहीं कैसे. सो ये है मेरा आइस इग्लू जो मैंने बहुत अजीबोगरीब तरीके से बनाया है, लाइक वुल यूज़ करके, कॉबलस्टोन. सो मुझे एक और वंडरफुल चीज़ आपको दिखानी है, पता नहीं आप लोगों को वंडरफुल लगेगी कि नहीं, दैट डजंट मैटर्स. अच्छा मैटर करता है, सॉरी. तो ये है मेरा सीक्रेट हाउस, मतलब सीक्रेट वर्ल्ड का सीक्रेट हाउस. सो ये है मेरा कॉबलस्टोन इग्लू. अभी इसके अंदर कुछ किया नहीं मैंने, मैं बना रहा था एक्चुअली, तो मैंने अचानक से रोल प्ले कबाड़ा मत कर लेदर कैप कहीं की. ये है मेरा वुडन इग्लू. सो और ये है मेरा डर्ट इग्लू. ये सबसे पहला इग्लू था जो मैंने बनाया था. उसके बाद आया था वो मेरा आइस इग्लू जो मैंने आइस बायोम में बनाया है, लाइक लिटिल आइस बायोम में. और फिर आया मेरा वुडन इग्लू. फिर आया हमारा कॉबलस्टोन इग्लू जिसका अभी एक शीशा फूट चुका है क्रीपर द्वारा, वो देखना पड़ेगा मेरे को, सही करना पड़ेगा. सो दिस इज द चर्च. अब मैं माता जी की मूर्ति तो बिठा नहीं सकता, तो क्या करूँ, तो कबाड़ा. हाँ ठीक है. और तो ये है मेरा स्केलेटन हॉर्स जिसको मैंने तीन चार दिन मेहनत करके ढूंढा है, लाइक लिटरली इसके पास जाते ही मेरे ऊपर इतने सारे स्केलेटन्स ने हमला किया जो स्केलेटन हॉर्स पे थे कि पूछो मत. ये है मेरा प्यारा हॉर्सी शेरू. मैं कुछ ज़्यादा ही तेज चिल्ला गया एक्साइटमेंट में. और ये है मेरा मशरूम हाउस. लाइक मैंने तीन मशरूम उगाए और सब ऊपर नीचे थे, तो मेरे को ज़रा थोड़ा ऐसा करना पड़ा उल्टे सीधे ब्लॉक्स यूज़ करके. और ये लाइक डेकोरेशन के लिए मैंने यूज़ कर लिया लीव्स को. तो मैंने उसका बेस निकाल दिया पूरे मशरूम का, और बाकी का पूरा बना लिया हजान में, जैसे भी कोई काम का तो था नहीं वो डोर. और ऊपर जाते हैं युप मेरा. सो ये है मेरा मशरूम हाउस. तो ये है मेरा लिविंग रूम, चेस्ट में बहुत सारा सामान पड़ा है. ये है मेरा किचन, इसके चेस्ट के अंदर है गोल्डन एप्पल, मेरी लाइफ सबसे पहला गोल्डन एप्पल, बिकॉज दिस इज वाज माय फर्स्ट वर्ल्ड दैट आई हैव मेड इन माइनक्राफ्ट. और ये रहा मेरा वर्कशॉप. और ये मेरे पास है ढेर सारे नेदरराइट इंगट्स जिनको मैंने बहुत मेहनत करके ढूंढा था. यहाँ एक रिवीन पोर्टल थी, उस पोर्टल के पास मैंने चार घर बनाए, चारों बिखर गए. उसके बाद मेरे को एक अच्छा सा घर बनाया मैंने कोबलस्टोन से. उसके बाद वहाँ थोड़ी दिन रहा, फिर नेदरराइट की माइनिंग की, और फिर मेरे को इतना सारा नेदरराइट मिला. और ये है लाइक दिस इज़ माई रियल होम. ये मेरा प्यारा प्यारा रियल होम. और ये है मेरा चेस्ट. एंड दिस थिंग इज़ माई डाइनिंग टेबल. मैं ये स्टेक नहीं खाता हूँ, सिर्फ ये आलू खा के पेट भर लेता हूँ अपना.
because we are vegetarian boy. Yeah boy. और एक मिनट, हाँ अभी ठीक है। अब ये लाइक यहाँ पे मैंने अपने कुछ शीप्स को रखा था जो क्रीपर के द्वारा मार दिए गए थे, तो उनकी लाइक जहाँ पे वो लोग मरे थे, जहाँ पे उनके रिमेन्स मिले थे, वहाँ पे मैंने फोन रख दिए हैं। और यहाँ पे अभी मैं कब्र बनाऊँगा कोरस डर्ट से उनके लिए। लाइक कब्र के अंदर कुछ नहीं है, फिर भी कब्र बनाऊँगा, मेरी मर्जी। सो यहाँ पे एक्चुअली मेरा फेवरेट शीप स्किपर था, जिसको क्रीपर ने मार दिया, स्किपर को क्रीपर ने मार दिया। और एक मिनट, हाँ अभी ठीक है। अरे मेरा पूरा रोल प्ले कबाड़ा कर दे रहे बाबा। हाँ और दिस इज व्हाट आई विल टेल यू। तो ऊपर जाऊंगा मैं कपैम और यचू, एंड दिस इज माय वॉच टावर। डे टाइम कर और ये मेरा वॉच टावर है। इस वॉच टावर के अंदर मैंने एक चेस्ट रखा, इस चेस्ट के अंदर ढेर सारा सामान है, क्योंकि लिटरली आई एम गोइंग टू मेक अ बीकन राइट ओवर हियर। अभी भीतर हराना बाकी है भाई, इसीलिए मैंने सोचा पहले नेदरराइट वेदरराइट सब ढूंढ लूँ, फिर भीतर मारूंगा। और ये है लाइक ये है मेरा वो बलून, और इसके नीचे मैंने अपनी फेवरेट चिकन चिप्पू जूनियर को कैद कर रखा है। एंड दिस इज चिका, फाइव नाइट्स एट फ्रेडी, एंड दिस इज चिकू, चिका की बेटी चिकू। ओए मेरा पिंकी डंकी किधर गया? हाँ ये रहा कोने में है। तो दैट वाज माय पिग फार्म। और ये मेरा चर्च है, लाइक इसका डोर मैंने पीछे साइड रखा है यहाँ पे, ताकि जैसे ही मैं आऊँ वैसे ये सीधा रूफ, या फिर जाना हो अंदर तो ये आगे चर्च के अंदर। यहाँ पे अभी मैं ब्रूइंग स्टैंड वैन कुछ रख दूंगा, जैसे विलेज के चर्च में होता है। और क्या है, लाइक एक चीज़ और थी शायद मैंने जो छुपा के रखी आपसे, और वो राइट यहाँ पे है। लेट मी फ्लाई, बूम 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 बूम। और यहाँ पे मैंने एक सीक्रेट चीज़ छुपा के रखी है जो मैं आपको दिखाता हूँ, और दैट इज दिस थिंग ओवर हियर। रोल प्ले का बाड़ा मत कर, ओके लाइक रोल प्ले भी नहीं है, नॉर्मल वीडियो। एंड दैट इज दिस थिंग, रुको मेरे को स्प्रिंट करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये वन ब्लॉक है स्पेस। देवी को तो ये मैंने लाइक सीक्रेटली बनाया था 3 घंटे मेहनत करके, ताकि मैं कभी अगर मेरा ये वर्ल्ड में ये डिस्ट्रॉय हो जाए मेरा नॉर्मल घर, तो मैं यहाँ रह सकूँ कुछ दिन। तो यहाँ पे मैं अभी कुछ दिन से यहीं पे अंदर रह रहा हूँ। ओके और ये आ गए हम यहाँ, लेट्स गो डाउन इन माय बंग। मेरा बेड किधर गया यहाँ से? अच्छा कहीं होगा। और गाइस 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 इसे नहीं, ये तो मत ही देखो तुम, है ना। लेकिन एक चीज़ मैंने और छिपा के रखी है, मैं इस कोबलस्टोन ब्लॉक पे जाऊँगा और ओपन दबाऊँगा तो एमरल्ड ब्लॉक्स। ये एक्चुअली एक सीक्रेट लाइक मैंने चेस्ट बनाया था, ये देखो। तो लाइक आप इधर करोगे फिर धीरे से उधर जाओगे तो आपका खुल जाएगा। ये मशीनरी मैं इसका ट्यूटोरियल अपने अगले वीडियो में दिखा दूंगा आपको, हाइडिंग चेस्ट ट्यूटोरियल। तो आज के लिए तो इतना ही लग रहा है मुझे। और गाइस सुन लो यार, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और बुरा लगा हो तो भाई डिसलाइक कर देना। मैं जानता हूँ तुम लोगों को अच्छा लगता है, फिर भी तुम लोग लाइक नहीं करते यारो। सो प्लीज़ यार लाइक कर देना यार वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो।
और वीडियो ख़राब लगा तो भी लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, वो नहीं दबाओगे तो पता कैसे चलेगा मैं कब ऑनलाइन आया हूँ। और अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।